हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपको ये मिनीचर पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। इसमें एक लड़की विंडो के पास खड़ी हुई है और बाहर देख रही है। ये पेंटिंग मैंने बहुत ही कम समय में बनाई है। 6 इंच बाय 6 इंच का कैनवास बोर्ड है और छोटा साइज है। इसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मिनीचर पेंटिंग्स का एक सीरीज बनाऊँ, तो उसमें ये सबसे पहला पेंटिंग है मेरा। इसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। अभी रिसेंटली मेरी बेटी ने भी एक वीडियो बनाया था जो मैंने पोस्ट किया अपने चैनल पे, आपको पसंद आया होगा। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं ये पेंटिंग मैंने कैसे बनाई। इस पेंटिंग के लिए हम एक्रेलिक कलर्स यूज करेंगे, टाइटेनियम वाइट, ब्लैक, वन अम्बर येलो, कोबाल्ट ब्लू। सबसे पहले हम स्केच बनाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर में रेफरेंस फोटो है, उसको देखकर मैं स्केच बना रहा हूँ। एक विंडो है उसका स्केच, और विंडो का स्केच बनने के बाद फिर जो लेडी है, जो लड़की खड़ी है, उसका स्केच करेंगे। जनरली मैं जो स्केच करता हूँ उसके लिए ग्रिड टेक्निक या ब्लॉक टेक्निक यूज़ करता हूँ, पर ये वाले पेंटिंग के लिए मैंने ग्रिड टेक्निक यूज़ नहीं किया है। मैं डायरेक्ट रेफरेंस फ़ोटो को देखकर उसका स्केच बना रहा हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप ग्रिड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। स्केच का जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना स्केच एक्यूरेट बनता है। तो मैं कम से कम दिन में एक स्केच ज़रूर करता हूँ, वो छोटा साइज क्यों ना हो। उससे थोड़ा हाथ खुलता है और आप बहुत कॉन्फिडेंटली स्केच बना सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है पेंटिंग का। मैंने भी जो पेंटिंग अपने आप देख देख के सीखा है। तो स्केचिंग के लिए भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पे, जिसमें मैंने ब्लॉक टेक्निक यूज़ करके स्केच कैसे बनाते हैं वो बताया है। तो आप उनको देख कर सीख सकते हैं। कभी कभी मैं स्केच जैसा कि बताया बिना ब्लॉक के भी बनाता हूँ या ग्रिड के भी बनाता हूँ। अपना स्केच लगभग तैयार हो गया है, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग। सबसे पहले हमने सैप ग्रीन और येलो को मिक्स करके जो बैकग्राउंड है विंडो के बाहर का, उसको पेंट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ लाइंस हैं उसको बचा के पेंट करना है। ये भी आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाते हैं। अभी दोस्तों
सभी लोग इस समय घर से काम कर रहे हैं, घर में लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, तो मैंने भी 2-3 पेंटिंग्स अभी तक बना चुका हूँ और भी बनाऊँगा। इस तरह की हॉबी अगर आपके पास हो तो आप डेफिनेटली बोर नहीं होते हो और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए। मेरी बेटी ने भी एक मिनीचर पेंटिंग बनाया जिसका वीडियो मैंने डाला था अभी, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है। जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ भी वो 0 साइज़ राउंड ब्रश है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है तो इसकी वजह से छोटे साइज़ के ही ब्रश यूज़ करने पड़ेंगे हमें को। थोड़ा टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ जिससे खिड़की के बाहर थोड़ा टेक्सचर दिखेगा, झाड़ियाँ जो होती हैं या जो ग्रीन ट्रीज हैं उस तरह से एकदम। उसको प्लेन सरफेस पेंट नहीं करना है हमको, थोड़ा टेक्सचर रखना है, बीच में कहीं येलो वाइट इस तरह से मिक्स करके फर्स्ट लेयर जो हमारा बाहर की विंडो का है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो विंडो है उसकी जो स्ट्रिप्स हैं उसको पेंट करेंगे। ये मैंने थोड़ा येलो आकर मिक्स करके या जैसे पुराना वुडन होता है, ये फर्स्ट लेयर है। इसके बाद मैं एक और लेयर करूँगा जिससे और फिनिशिंग आएगी। ब्रश साइज़ हम छोटा ही यूज़ कर रहे हैं, ये लाइनर ब्रश है 0 साइज़ क्योंकि एरिया छोटा है तो हमें ब्रशेस छोटे ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहले मैं बैकग्राउंड और विंडो ये सब कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद जो है उस लेडी का पेंटिंग करूँगा। साथ में मैंने एक टिश्यू भी रख लिया है जिसके कलर एक्सेस कलर हो तो निकाल देता हूँ। एक्रेक कलर्स को जनरली मैं वाटर के साथ ही यूज़ करता हूँ, एक्रेलिक के कुछ मीडियम्स भी आते हैं बट मैं वाटर के साथ यूज़ करता हूँ। मैं दोस्तों विंसन न्यूटन, पेबो और कैमलिन के कलर्स यूज़ करता हूँ। जितना छोटा साइज़ होता है पेंटिंग का उतना आपको करने में ध्यान रखना पड़ता है, फिनिशिंग उसकी उतनी टफ हो जाती है।
थोड़ा ग्रेश कलर बनाया मैंने, येलो थोड़ा उसमें ब्लू और वाइट मिक्स करके, थोड़ा ब्लैक भी। ये बर्न अम्बर और ब्लू को मिक्स करके नीचे का एक डार्क टोन दिखा रहा है, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है और ये अपोजिट साइड की वॉल है विंडो के नीचे की, जिसमें थोड़ा डार्क शेड आता है वो। छोटा साइज है तो मैं कैनवास बोर्ड को किधर भी घुमा रहा हूँ और पेंट कर रहा हूँ। फिनिशिंग लाइंस भी डाल देते हैं बीच में। स्ट्रेट लाइन खींचना बहुत ही टफ काम होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से कर सकते हैं इस काम को। ब्लैक बॉल पेन की मदद से मैं इसकी फिनिशिंग कर रहा हूँ, एक शार्पनेस आती है एजेस में। साइज बहुत छोटा है, okay. अब बचा हुआ बैकग्राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो स्ट्रोक्स हैं ब्रश के, ये मैं इस तरह से मार रहा हूँ कि आपको ऐसा कांच जो ग्लास का एक इफेक्ट है वो दिखाई देगा। वाइट कलर से जो मैंने अभी किया, बहुत ही ड्राई ब्रश लेके उसको स्ट्रेट ड्रैग किया नीचे, ऊपर से नीचे। मैं वाइट के साथ हाइलाइट्स कर रहे हैं, हमारा जो फोकस पॉइंट होगा वो लेडी होगी। इसके लिए मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा डल और फेड टाइप का कलर कर रहा हूँ, बहुत शार्प नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा ध्यान है पेंटिंग को देखते ही लेडी के ऊपर आना चाहिए। तो अब हम जो विमेन हैं उनको पेंट करते हैं। बर्न अम्बर लिया मैंने, थोड़ा सा येलो और कर लिया, वाइट के साथ मिक्स करके स्किन टोन बनाऊंगा। पहले मैं थोड़ा डार्कर टोन्स के साथ जो उनके एजेस हैं उसको ब्लॉक कर लेते हैं, फिर
लाइटर टोन होगी उसके साथ करेंगे और फिर उसको ब्लेंड कर देंगे। फिर कुछ हाइलाइट्स, मैंने कुछ अपने वीडियोस में स्किन कलर कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताया है, तो इसके लिए मैंने येलो आकर, बर्न अम्बर, वाइट को यूज़ करके ये टोन्स बनाए हैं। उसमें वाइट को मिक्स करके हाइलाइट्स करते हैं या लाइट का इफ़ेक्ट आना चाहिए। फिगरेटिव पेंटिंग में उनकी जो मसल्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब मैंने उनके ड्रेस के ऊपर काम करना शुरू किया, उसके लिए वाइट टोन्स यूज़ कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा ग्रे डालूँगा शेड्स के लिए। ये पेंटिंग मैं बहुत दिनों से करना चाहता था, मुझे ये रेफरेंस फ़ोटो देखकर काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि ये पेंटिंग बनाऊं। पहले मैं सोच रहा था कि इसका पेंटिंग बड़े साइज़ में बनाऊं, फिर मैंने सोचा इसको मिनीचर में बनाते हैं। पहले मैंने क्लॉथ को, कपड़ों को उनके वाइट के साथ पेंट किया, फिर उसको ग्रे के साथ उसकी शेडिंग कर रहा हूँ और फिर वाइट के साथ वापस हाईलाइट करूँगा। मैं वाइट के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ रेफरेंस फ़ोटो को देखकर, जिससे आपको समझ में आएगा। डार्क टोन के साथ उसका जो हाईलाइट है वो किया। स्कर्ट ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं वाइट के साथ थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा।
बालों के ऊपर सबसे पहले मैं बर्न अम्बर और ब्लू को मिक्स करके पेंट कर रहा हूँ, और फिर वाइट के साथ उसके डिफरेंट टोन्स बनाऊँगा अलग अलग, और फिर उसकी हाइलाइट्स करूँगा, जैसे लाइट से जो बालों के ऊपर एक रोशनी पड़ रही है वो पेंट कर रहा हूँ। तो हमारा लगभग पेंटिंग तैयार हो गया है, अब उसके फिनिशिंग स्ट्रोक्स। आपको ये मिनीचर पेंटिंग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपका फीडबैक। मैं कुछ और मिनीचर पेंटिंग्स करूँगा और मेरी बेटी भी कुछ वीडियोस बनाएगी इस चैनल के लिए। आप प्लीज़ देखते रहिए सारे वीडियोस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।